नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं फॉरी न्यूज चैनल। कोरोना के कारण इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक है। ऐसे में अब सरकार के बाद यूथ कांग्रेस ने भी उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों में हल्की पौड़ी के ब्रह्म कुंड का गंगा जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। दिखाते हैं पूरी खबर। कोरोना के कारण इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक है। ऐसे में अब सरकार के बाद यूथ कांग्रेस ने भी उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों में हरकी पौड़ी के ब्रह्म कुंड का गंगा जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। यूथ कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की और कहा कि उनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 10,000 शिवालयों में गंगा जल पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने इन प्रदेशों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क साध लिया है। आने वाले सोमवार को इनके द्वारा इन शिवालयों तक गंगा जल पहुंचाने का कार्य शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार इस बार कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है अलग अलग नियमों कानूनों को चलते कोरोना के दौर में, तो हमारा उद्देश्य है, युवा कांग्रेस ने प्रण लिया है और मैं युवा कांग्रेस हरिद्वार के साथियों को विशेष बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़कर के चलाने का काम करने की योजना बनाई है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर शिवालय तक गंगा जल पहुंचे और इस मुश्किल दौर में जब कांवड़िया आकर के हर की पैड़ी से गंगा जल नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग अपने संगठन के लोगों के माध्यम से गंगा जल का वितरण करके हर शिवालय तक गंगा जल पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारी परंपरा जो है उसको हम आगे बढ़ा सकें और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। किस तरीके से करेंगे? हमने प्रदेश भर की इकाइयों में अपनी डिमांड लेकर के गंगा जल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हम अपने संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जिलों के और विधानसभाओं के, उनसे हमने रिक्वायरमेंट मांगी है और अगले सोमवार से हम इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भेजने का काम शुरू करेंगे। अभी हमारा 10,000 केंद्र का लक्ष्य है कि हम 10,000 शिवालयों तक गंगा जल पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल M4 न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिले। धन्यवाद।